तो पिछले वाले एपिसोड में तुम सबने देखा कि मुझे हीरो ब्रायन ने एक बेडरॉक प्रिजन में डाल दिया था एंड वहां से निकलना काफी मुश्किल था। बट एक ऐसा प्लेयर जिसके नाम में ही प्रो आता है, वो कभी हार सकता है क्या? तो वहां से मैं कैसे भी करके बाहर निकल गया। बट बाहर निकलने के बाद मुझे पता चलता है कि साइंटिस्ट ही वो बंदा था जो कि मिस्टर टॉर्च बनके हमारी मदद कर रहा था प्रिजन में, एंड उसको हीरो ब्रायन किडनैप करके वहां से गायब हो गया था। तो यार अभी मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक तो पहले से इतना छोटा दिमाग है। लेकिन हीरो ब्रायन के जाने के एक दो मिनट बाद मुझे एक बहुत बड़ा क्लू मिला है एंड इसको देखने का तुम लोग चौंकने वाले हो। ये देखो, क्योंकि पिछले वाले खून के डबके वहाँ पर खत्म हो गए थे, लेकिन यहाँ से उसके गायब होने के बाद यहाँ पर एक खून के डबके फिर से शुरू हो जाते हैं। सो इससे हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि हीरो ब्रायन शायद टेलीपोर्ट नहीं हो सकता एंड वो बस गायब होके उसको घसीट के लेके गए। एंड तुम लोग सोचे होंगे कि मैं इसको खून क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मैं इसको तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये रेडस्टोन तो नहीं है, या फिर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सो मुझे अभी इसको भी फॉलो करके देखना पड़ेगा कि ये खून के डबके कहाँ जा रहे हैं और ये हीरो ब्रायन साइंटिस्ट से क्या चाहता है। और वेट, और क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? ओह ये रहा, ये रहा। तो मुझे इस चीज को एकदम संभाल के देख देख कर जाना है, वरना गुम हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो, पेड़ तक बंदा घसीट के ले गया। मुझे तो लगता है साइंटिस्ट के पास कुछ ज्यादा ही दिमाग है और हीरो ब्रायन उस दिमाग को यूज करने की कोशिश कर रहा है। और अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों उसे बचाने जा रहा हूँ, अपना काम करना। तो देखो ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट ने मेरे को प्रिजन एस्केप करने में बहुत मदद की है। अगर उसने मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो शायद से मैं नहीं निकल पाता वहाँ से। तो इसलिए उसने मेरी मदद की एंड अभी मेरी बारी है उसकी मदद करने की। सो माय गॉड, क्या है ये खून के टपके ये पोर्टल में जा रहे जो कि उल्टा है। ये पोर्टल लेटा कैसे? ओए सीधा हो जा भाई, पहली बार मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ। वाह भाई, डर गया मैं, बहुत गंदा वाला। क्या है ये चीज? रॉफिश भाई, मछलियाँ कब से इतनी डेंजरस होने लगी? तो अभी इसको खा लेता हूँ, पेट में गुड़गुड़ तो नहीं करेगी। तो यार ये क्या चीज मैं देख रहा हूँ, एक उल्टा पोर्टल। एंड आई गेस हीरो ब्रायन इसी के अंदर गया है, क्योंकि इसके बाद मेरे को कोई भी खून के टपके नहीं दिख रहे। तो क्या करे, जाना चाहिए हम लोग को। एंड आई गेस अगर तुम लोग को अभी थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो जाओ फटाफट से उस लाइक के बटन को छील दो पूरा। 100,000 लाइक का गोल है, तो जाओ यार जल्दी से कर दो लाइक। तो चलो अब आई गेस मेरे को इसके अंदर जाना चाहिए। वैसे तो बहुत डर लग रहा है, बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। चलो 3, 2 प्लीज बचा लेना। 1 ओ ये कहां पर हूं? शिट ओ भाई, डरा दिया एकदम। एंड ये कहां पर हूं मैं? व्हाट, बाप रे, इसका मतलब ये पोर्टल मुझे यहाँ पे लेके जाता है। बट इस जगह में मुझे करना क्या है? वेट, पार्कोर वार्कोर करना है क्या? ओह नो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। सो हीरो ब्रायन उस पोर्टल में गया एंड उसने सब पार्कोर पार किया, या फिर तो उसके जगह तक पहुंचने के लिए उसने ये सब पार्कोर सेट किया है ताकि कोई भी ऐरा गैरा बंदा उसके अड्डे में ना आ सके, मुझे तो यही लग रहा है। सो आई गेस अभी मेरे को ये पूरा पार्कोर पार करना पड़ेगा, वो भी बिना मरे, क्योंकि अगर एक भी बार मर गया तो शायद से मैं कभी स्पॉन नहीं हो पाऊंगा। वो मुझे भी नहीं पता, शायद से मैं स्पॉन हो जाऊँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट दिया हुआ है। और भाई मेरे में एबिलिटीज आ गई, व्हाट, मैं इतना बड़ा जंप कैसे मार रहा हूँ? ये पार्कोर करने के लिए हम लोग को ये एबिलिटी दी है, नाइस। तो मैं अभी पूरा ट्राई करने वाला हूँ कि मैं एक भी बार ना मरूं, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो चलो आ गया, बट वैसे तो इन लोगों ने रिस्पॉन पॉइंट दिया है तो शायद से मुझे नहीं लगता कि मुझे टेंशन लेना चाहिए। सो आई गेस हीरो ब्रायन तक पहुंचने के लिए हम लोग को ये पूरा पार्कोर कम्प्लीट करना पड़ेगा एंड मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी जगह है, तो इसको तो हम लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि तुम लोग को पता है कि आई एम ए पार्कोर प्रो। किसको भी नहीं पता, बट मैं अच्छा हूँ पार्कोर में। ये देखो, इजी पीजी। और अभी मुझे यहाँ पे जंप मारनी है, लेट्स गो। एंड अभी डायरेक्ट वहां पर, ओके इजी पीजी। चलो ये पेड़ के ऊपर पूरा आ गए हम लोग, थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी। यस, चेक पॉइंट, ओके। तो आई गेस मैं समझ गया। तो हीरो ब्रायन बेटा देख ले, तू चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज दे दे, प्रोबो इज नहीं हारने वाला, समझा। एंड अभी के लिए मेरा चैलेंज तो यही रहेगा कि मुझे एक भी बार नहीं मरना है, क्योंकि पक्का नहीं है कि मैं वापस रिस्पॉन होऊंगा, इसलिए एकदम संभाल के खेलेंगे। ओके चलो आ गया। एंड ओके प्लीज बचा लेना। ओके मुझे पता है ये कैसे करना है। यस, तो भी इस साइड भी सेम करना है। एंड आ गया, ओके। और वो देखो वहाँ पे एक और चेक पॉइंट, तो लेट्स गो। एंड अभी ओके इजी पीजी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हीरो भाई हमसे ये करवा क्यों रहा है। और वेट, ये क्या है अंदर? ओ नो, यार ये हमेशा झटके क्यों दे रहा है मुझे? सो आई गेस अभी मैं स्टेज 2 पे हूँ, क्योंकि पहले मैं नॉर्मल वर्ल्ड में था और अभी मैं एंड वर्ल्ड में आ गया हूँ। तो फिर अभी मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? आई गेस मैं वहां पर जंप मार सकता हूँ, लेट्स डू इट। यस, चलो अभी ये सिंपल पार्कोर करते हैं। ओके इजी, ये सब तो बचपन में मैं करता था। ओके देखो कभी कभी हो जाता है ऐसे, बट जैसे मैं बोल रहा था ये सब तो मैं बचपन में करता था। चलो यहाँ पे आ गए एंड है, ओ
समझा, ये तो थोड़ा ट्रिकी पार्कोर है। ओके ओह, एंड अभी मुझे वहां पर जंप मार के डायरेक्ट वहां पे जाना है। लेट्स गो। यस, एंड ये क्या है? आई गेस ये कहां पे आ गया? ओ यार ये व्हाट? ओह नो, चलो यहां से करते हैं एंड थोड़ी सी भी गलती नहीं। यस ओके, एंड ये क्या चीज है? ओ इनविजिबल ब्लॉक है। एंड ये वाला जंप, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। लेट्स ट्राई। ओके होता है होता है। चलो ये अच्छा है कि मैं यहाँ पे मरूंगा नहीं, एटलीस्ट भाई इस साइड से नहीं जाना है वरना गंदी मौत होगी वहाँ पे। चलो लेट्स डू इट। यस, देखा ये सब चीज मैं पहली बार कर रहा हूँ एंड फिर भी एकदम परफेक्टली कर लिया। इससे अच्छा कोई हो सकता है क्या? तो चलो ये लास्ट जम्प एंड यस, एंड चलो इसके नीचे चलते एंड वो। तो अभी मैं कोई सिटी में आ गया। वाओ क्या गाड़ी वाड़ी नहीं दिख रही। एंड देखो यहाँ पे एक बटन है एंड यहाँ पर भी पार्कोर। हीरो बैंड मुझसे लगता है पार्कोर टेस्ट करवा रहे हैं और उसको नहीं पता कि आई एम ए प्रो। ओके अभी यहाँ पे एंड इजी पीजी एंड मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया बिल्डिंग के। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? ओह चलो इसके ऊपर चलते हैं एंड ये हमारा जंप एंड आ गए हम लोग थर्ड फ्लोर पे। यार क्या चिंदी बिंदी लेवल से। चलो मैं एकदम टॉप पे आ गया हूँ एंड अभी ओ नो, अभी मैं गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि एक भी बार गिरा और डायरेक्ट डेथ। तो अभी थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा एंड ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, इसमें मैं हमेशा गिर जाता हूँ। वो हो गया हो गया। ओके एंड अभी मुझे वहां पर जंप मारना है। व्हाट? ओ यस, क्या खेल रहा हूँ आज मैं। चलो अभी यहाँ पर क्या खेल रहा हूँ आज मैं। एंड अभी मैं आई गेस एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ। तो चलो लेट्स कम्प्लीट दिस। एंड ये क्या चीज है? ओके तो पहले में था नॉर्मल वर्ल्ड में, फिर आया एंड वर्ल्ड में, फिर पता नहीं एक सिटी में आ गया एंड अभी है ये नेदर वाला वर्ल्ड। सो आई गेस ये लास्ट वाला हो सकता है एंड इसके बाद आई गेस मैं हीरोइन तक पहुंच सकता हूँ। बट अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कोई बताएगा? हेलो, स्टार्ट कैसे करूँ? समझा, तो मुझे यहाँ से वहां तक जंप मारना है? नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ओ वेट, आई गेस मेरे को यहाँ पर जाना है। ओ ये बात है, तो मेरे को वहां पर जंप मारना है। यस, इतना परफेक्ट कैसे कर रहा हूँ? सो मेरे को वहां तक जंप मारनी है एंड व्हाट? यार ये चीटिंग है, मैं आ गया था वहां पर। बट कोई बात नहीं, प्रोपोज दोबारा ट्राई करने में नहीं डरता। एंड आज कैसे भी करके इस हीरो पॉइंट को पकड़ना है एंड कूट कूट कर मारना है। आई मीन वो तो मैं नहीं कर सकता बट एटलीस्ट साइंटिस्ट को तो बचा लूं। चलो फिर से ये करते हैं एंड यस, एंड अभी चलते वहां पर एंड अब थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। ओके एंड ये लास्ट जंप ऑफ द डे एंड हो गया। तो ये कौन से भयानक केव में आ गए हो? वेट, वापस आ गए उजाले में। तो चलो यहाँ से चलते हैं एंड ये कहाँ कहाँ पर आ रहा हूँ मैं? इसका कोई एंड है कि नहीं? तो अब मैं कोई सीढ़ियों पर चढ़ना है एंड शायद से भी मुझे वहां पर जंप मार के वहां पर जाना है एंड वो रहा एंड। एंड आई गेस वही हमारी मंजिल है, ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। यस चलो एकदम फटाफट चलते हैं एंड अभी मैं एक भी बार मरा नहीं हूँ जो कि एकदम अच्छी बात है। तो चलो इसको भी फटाफट पार करते हैं एंड वहाँ क्या ब्रिज है और ये क्या है? हेलो क्या करना है अभी? आई गेस मुझे यहाँ पर नहीं यहाँ पर जंप मारना है बट कैसे? कुछ तो दिमाग लगा। ओ वेट, ऐसे हो सकता है ना? ओ अब समझा, एकदम चालाकी वाला खेल कर रहे। चलो आ गए यहाँ पे एंड फटाफट करते ये चीज और अब बस थोड़ी सी दूरी है एंड फिर फाइनली मैं पहुंच सकता हूँ। और ये क्या हो गया? शिट, अब ये कैसे करूंगा मैं? सो आई गेस दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर मैप क्योंकि मुझे इसी स्पीड में इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेने एंड वहां तक पहुंचना है। उन्नो यार ये हीरो ब्राइन आज मरवा के रहेगा। सो सबसे पहले जाने से पहले आई गेस मेरे को कैलकुलेट करना चाहिए ब्लॉक्स एंड मेरी स्पीड को भी समझना चाहिए। सो अगर मैं छोटा सा टैप करूँ तो कुछ नहीं हुआ, या फिर वेट जितना कि मुझे मालूम है अगर मैं फास्ट दौड़ू तो मैं एक खाली ब्लॉक को सरपास कर सकता हूँ। अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, गो। ये सच में वर्क कर गया। ओके समझ गया मुझे क्या करना है, मुझे बस इसी स्पीड में भागना है एंड पहुंचना है वहां तक बट एकदम संभाल के क्योंकि थोड़ी सी भी गलती और मैं गया काम से। लेट्स गो, वी कैन डू इट। यस दिस इज इजी। ओके आई डोंट नो कैसे आया मैं यहाँ पे बट ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। मुझे स्ट्रेट जाना है एंड देन लेफ्ट लेना है एंड फिर एकदम परफेक्टली उस कमांड ब्लॉक पे लैंड करना है। तो चलो लेट्स गो। मैं डर गया था। सो मुझे वहां पर जाना है, लेट्स गो। ओके एंड वी फाइनली डिड इट। और अब ये क्या हो रहा है?
ओह शेट, ये कहां पर आ गया मैं भी। चारों तरफ स्नो ही स्नो है एंड आगे बस मुझे एक बहुत बड़ी केव दिख रही है। आई डोंट नो क्या है ये। एंड क्या वहां पर साइंटिस्ट है? फाइनली मिल गया। बट क्या वहां पर जाना सेफ रहेगा, क्योंकि उस साइंटिस्ट को एकदम बुरी तरह बांधा हुआ है। लेकिन चलो एकदम संभाल कर चलते हैं एंड उस साइंटिस्ट को छुड़ा के लेके आते हैं। एंड देन इससे हम लोग सारी जानकारी ले लेंगे हीरोबाइन के बारे में, कि इसको हीरोबाइन के बारे में क्या मालूम पड़ा है एंड हीरोबाइन क्या करवाना चाहता था इससे। तो चलो फाइनली सारा सच आ जा साइंटिस्ट। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं प्लीज, आई गेस हीरोबाइन ने देख लिया।